हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉग्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सॉग्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड जो होता है उसको हम लोग सॉग्जलेशन या फिर हॉट कॉन्टीन्यूस परकोलेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सॉग्जलेट एक्सट्रैक्शन मेथड होता है उसके दो अदर नेम्स हैं, एक है सॉग्जलेशन और दूसरा है हॉट कॉन्टीन्यूस परकोलेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम कैसा होता है सॉग्जलेट अपैरेटस का? सॉग्जलेट अपैरेटस क्या होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग सॉग्जलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी अपैरेटस को कहते हैं सॉग्जलेट अपैरेटस। ठीक है, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट में जो प्रोसेस होता है सॉग्जलेट एक्सट्रैक्शन का वो परफॉर्म होता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसी को बोलते हैं सॉग्जलेट अपैरेटस। ठीक है, तो हम लोग हमारा ये जो डायग्राम है इसको थ्योरी से कवर करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ये फोर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आएगा थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके। थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है RBF। RBF यानी कि राउंड बॉटम फ्लास्क। ये वाला जो पार्ट है ये है राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है सॉल्वेंट एंड एक्सट्रैक्ट। अभी मैं सॉल्वेंट का बता रही हूँ, एक बार आप लोग सॉल्वेंट का याद रखो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मैं बाद में बताती हूँ एक्सट्रैक्ट कैसे आता है। ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें हम लोग सॉल्वेंट फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है एक्सट्रैक्शन चैम्बर या फिर सॉग्जलेट एक्सट्रैक्शन ट्यूब इन विच ड्रग इज़ कैप्ट इन थम्बल। ये वाला जो पूरा पार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी, ये जो पूरा पार्ट होता है ना यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन चैम्बर या फिर सॉग्जलेट एक्सट्रैक्शन ट्यूब। ठीक है, अब सॉग्जलेट एक्सट्रैक्शन ट्यूब के या फिर एक्सट्रैक्शन चैम्बर जो ये वाला पार्ट है जो अभी मैंने बताया, इसके भी कुछ और पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट इसके अंदर होता है पोरस थिम्बल। थिम्बल क्या होता है? थिम्बल होता है एक पाउच टाइप का हम लोग बनाते हैं। ये जो पाउच होता है ना, इसको हम लोग या तो फिल्टर पेपर से बना सकते हैं या फिर ये रेडीमेड सेल्यूलोज का बना हुआ मार्केट में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग एक पाउच बनाते हैं फिल्टर पेपर का, उसको बोलते हैं थिम्बल। ठीक है, और उस थिम्बल के अंदर क्या होता है? सैंपल होता है। ठीक है, ये हमारा थिम्बल हो गया। ठीक है, और ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये हमारा हो गया सैंपल। ठीक है, सैंपल क्या? सैंपल वो है जो ड्रग हम लोग ले रहे हैं, वो ड्रग जिसका हम लोगों को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म करना है। ठीक है, उसको लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? थिम्बल बनाया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले तो हम लोग ये जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, इसके अंदर सॉल्वेंट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक पाउच बनाएंगे फिल्टर पेपर से, यानी कि हमारा थिम्बल बनाएंगे, थिम्बल के अंदर ड्रग डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो थिम्बल होता है ना उसको इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब में रख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो थर्ड पार्ट है ना वो क्या है, ये मैंने समझा दिया। सॉग्जलेट एक्सट्रैक्शन ट्यूब इन विच ड्रग इज कैप्ट इन थिम्बल, ये हमारा थिम्बल हो गया। थिम्बल के अंदर ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये हमारी ड्रग है। ठीक, थर्ड पार्ट क्या होता है? थर्ड पार्ट इज कंडेंसर। ठीक है, ये जो है ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, ये है हमारा कंडेंसर। ये जो कंडेंसर होता है ना, इसमें दो पाइप्स लगे होते हैं। ठीक है, एक पाइप यहाँ इस पॉइंट पर लगा हुआ होता है और एक पाइप इस पॉइंट पर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये जो पाइप होता है इसके थ्रू कोल्ड वाटर जो है वो कंडेंसर में आता है। ठीक है, और ये जो पाइप लगा हुआ होता है ये आउटलेट, ये इनलेट पाइप हो गया हमारा, और ये वाला जो पाइप होता है ना ये आउटलेट पाइप होता है। इस पाइप के थ्रू हमारा जो हॉट वाटर होता है ना वो कंडेंसर से बाहर जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सॉग्जलेट एक्सट्रैक्शन मेथड परफॉर्म करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, स्टेप नंबर वन इज साइज रिडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग वॉज परफॉर्म्ड एंड पैक्ड द साइज रिड्यूस ड्रग इंटू थिम्बल मेड ऑफ फिल्टर पेपर और सेल्यूलोज। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, क्रूड ड्रग लिया, क्रूड ड्रग का साइज रिड्यूस किया। ठीक है, यानी कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया या फिर उसको पाउडर फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को उसको थिम्बल में डालना है। थिम्बल क्या था? थिम्बल जो है वो हम लोगों ने एक पाउच बनाया था। ठीक है, वो पाउच हम लोग या तो फिल्टर पेपर से बना सकते हैं या फिर जो रेडीमेड अवेलेबल होता है जो कि सेलुलोज से बना हुआ होता है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने थिम्बल में डाल दिया ड्रग को। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जो थिम्बल है उसको जो एक्सट्रैक्शन ट्यूब है उसमें डाल देना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, प्लेस द सॉल्वेंट इन द राउंड बॉटम फ्लास्क एंड
boiled it by heating mantle. The vapor of the solvent goes to condenser via side tube oblique vapor outlet tube. Condenser condenses the vapor of the solvent and this solvent penetrates the packed drug. It percolates the crude drug and extracts the active ingredient. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सॉल्वेंट लेना है और सॉल्वेंट को ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है बाहर वाला, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सॉल्वेंट लेना है और इस राउंड बॉटम में फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देना है। ये हमारा ब्लैक कलर का जो है ये सॉल्वेंट है हमारा, ये हम लोगों ने राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को इसको हीट करना है, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसको हम लोगों को हीट करना है, ठीक है। हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में है ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो सॉल्वेंट है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये यहाँ से पास होगा इस वेपर आउटलेट ट्यूब या फिर इसको हम लोग साइड आर्म कहते हैं, ये यहाँ से पास होगा और कंडेंसर में पहुँच जाएगा, ठीक है। कंडेंसर में पहुँचने के बाद जो कंडेंसर है वो जो वेपर यहाँ पे कंडेंसर में आया है उस वेपर को कंडेंसर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्वेंट है पहले लिक्विड में था, हम लोगों ने बॉईल किया, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अब जो कंडेंसर है वो वापस से इस वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है ये फिर क्या करेगा, ये बूंद बूंद करके इस थिम्बल में गिरेगा, यानी कि ये क्रूड ड्रग के थ्रू पास होगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो हो गया है, बस इतना ही है इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। उसके बाद क्या होगा, द लेवल ऑफ मेंस्ट्रम इज इंक्रीज इन द एक्सट्रैक्टर अंटिल इट रीचेज टू द मैक्सिमम पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज सिफॉन्ड इन टू द राउंड बॉटम फ्लास्क। यानी कि यहाँ पर ड्रॉप गिरा और हमारा जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो हो गया। अब क्या होगा, ये जब सिफॉन ट्यूब पूरी की पूरी फिल हो जाएगी ना, ठीक है, ये यहाँ तक फिल हो जाएगी, ये यहाँ तक पूरी फिल हो जाएगी ना, इसके बाद क्या होगा, और ये पूरा यहाँ तक फिल हो जाएगा, इसके बाद ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो एक्सट्रैक्ट अब बना है, क्रूड ड्रग यहाँ पे थी, ये हमारा सॉल्वेंट आया यहाँ पे, ठीक है, क्रूड ड्रग के साथ मिक्स हो गया, ठीक है। तो सॉल्वेंट और क्रूड ड्रग का मिक्सचर बन गया, यानी कि हमारी जो ड्रग है, हमारा जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ तक फिल हो जाएगा सॉल्वेंट और क्रूड ड्रग, ठीक है, हमारा क्रूड ड्रग सॉल्वेंट जो है वो क्रूड ड्रग में मिक्स हो गया और वो हमारा एक्सट्रैक्ट फॉर्म हो गया। एक्सट्रैक्ट जो है वो यहाँ तक फिल हो जाएगा और शिफॉन ट्यूब में आ जाएगा, पूरा पूरी शिफॉन ट्यूब है वो पूरी की पूरी फिल हो जाएगी एक्सट्रैक्ट से, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा है कि जब तक ये फुल नहीं होता ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा एक्सट्रैक्ट से, तब तक ये जो एक्सट्रैक्ट है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में पास नहीं होगा, ठीक है। जब ये जो हमारा थिम्बल है और जो हमारा सिफॉन ट्यूब है ये जब पूरी फिल हो जाएगी, ये पूरी फिल होने के बाद ये जो सॉल्वेंट है वो हमारा, सॉरी, जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा सॉल्वेंट तो यहाँ पे है ही जो हम लोगों ने फिल किया है, और साथ ही साथ ये जो एक्सट्रैक्ट है जो कि अब यहाँ से सिफॉन ट्यूब के थ्रू आया है राउंड बॉटम फ्लास्क में, वो भी यहाँ पे हो जाएगा जमा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मेंस्ट्रम इज अगेन हीटेड इन राउंड बॉटम फ्लास्क वेयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रिमेन इन RBF एंड वेपराइज्ड सॉल्वेंट अगेन पास थ्रू वेपर आउटलेट ट्यूब एंड कंडेंसर विच पेनिट्रेट्स द ड्रग प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्टर। द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द ड्रग बिकम एग्जॉस्टेड। मतलब कि अब जो हमारा दो चीज़ें हो गई हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क में, एक तो हमारा सॉल्वेंट था ही, साथ ही साथ में जो हमारा एक्सट्रैक्ट था वो भी राउंड बॉटम फ्लास्क में आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वो तो राउंड बॉटम फ्लास्क में ही रहेगा, जबकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो फिर से वेपर में कन्वर्ट होगा और फिर से वही प्रोसेस होगी, उसके बाद साइफन ट्यूब के थ्रू वो वापस से राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक ड्रग जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। हमको कैसे पता चलेगा कि ड्रग जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है, ये हम पता लगाएंगे कि जब हमारा जो साइफन ट्यूब है उसमें जो लिक्विड है वो कलरलेस हो जाएगा ना, तब हम समझ जाएंगे कि हमारी जो ड्रग है ना वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी कि पूरा का पूरा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था क्रूड ड्रग का वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है।
तो हम लोग अब फटाफट से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं सारे स्टेप्स को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्रूड ड्रग लिया, ठीक है। क्रूड ड्रग लेने के बाद उसके बाद हम लोगों ने उसका साइज़ रिडक्शन किया। साइज़ रिडक्शन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस क्रूड ड्रग को थिम्बल में डाला। थिम्बल क्या था, थिम्बल एक पाउच था जो कि हम लोग या तो फिल्टर पेपर से बना सकते हैं या फिर हम लोग रेडीमेड थिम्बल मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है। थिम्बल को ड्रग में डालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस थिम्बल को हम लोगों ने इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब में डाल दिया। ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब है एंड दिस वन इज थिम्बल, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ट्यूब में हम लोगों ने थिम्बल डाल दिया। अब थिम्बल डालने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क जो है, ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें हम लोग सॉल्वेंट डालेंगे। ये जो ब्लैक कलर का है ये सॉल्वेंट भी है, एक्सट्रैक्ट भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम लोगों ने सॉल्वेंट डाल दिया राउंड बॉटम फ्लास्क में। अब क्या करेंगे, हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है, ये जो सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म है, ये हीट करने पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये जो सॉल्वेंट है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो वेपर आउटलेट ट्यूब है या फिर इसको हम लोग साइड आर्म भी बोल सकते हैं, इसके थ्रू पास होगा और कंडेंसर में पहुँच जाएगा, ठीक है। कंडेंसर में पहुँचने के बाद जो वेपर था हमारा, ठीक है, मतलब कि सॉल्वेंट पहले लिक्विड फॉर्म में था, हम लोगों ने हीट किया, हीट करने पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद साइफन के थ्रू कंडेंसर में पहुंचा। अब कंडेंसर में पहुंचने के बाद ये जो वेपर फॉर्म में जो सॉल्वेंट था वो वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, ये बूंद बूंद करके इस यहाँ पे एक्सट्रैक्शन, ये जो एक्सट्रैक्शन चैम्बर है हमारा, इसमें गिरेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हमारी जो ये जो हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग, इसके बाद क्या होगा कि ये जो है ना, ये जो एक्सट्रैक्ट आया ना, ये तब तक राउंड बॉटम फ्लास्क में नहीं जाएगा, तब तक ये जो हमारी एक्सट्रैक्शन ट्यूब है वो और ये जो हमारी साइफन ट्यूब है, ये दोनों पूरी की पूरी इस एक्सट्रैक्ट से नहीं भर जाती। जैसे ये जो हमारी एक्सट्रैक्शन ट्यूब है और ये जो हमारी साइफन ट्यूब है, ये दोनों की दोनों फुल हो जाएगी एक्सट्रैक्ट से, वैसे ही हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो इस साइफन ट्यूब के थ्रू पास होता हुआ हमारा जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले से हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे था ही, अब हमारा एक्सट्रैक्ट भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब फिर से वापस प्रोसेस वही रिपीट होगा, मतलब कि जो हमारा एक्सट्रैक्ट जो है वो तो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क में ही रहेगा, लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट है वो फिर से वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये जो है वेपर आउटलेट ट्यूब या फिर जिसको हम लोग साइड आर्म भी कह सकते हैं, इसके थ्रू पास होगा, कंडेंसर में पहुंचेगा। कंडेंसर में पहुंचने के बाद वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हमारा जो एक्सट्रैक्शन ट्यूब है इसमें गिरेगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये फिल हो जाएगी एक्सट्रैक्शन ट्यूब और साइफन हमारी एक्सट्रैक्ट से, तो उसके बाद ये जो एक्सट्रैक्ट है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में वापस से आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस हम लोगों को तब तक करना है जब तक हमारी जो ड्रग है वो डिग्रेड नहीं हो जाती, एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि ड्रग खत्म, मतलब पूरा का पूरा ड्रग एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो जब हमारा जो साइफन है उसका जो लिक्विड है, ठीक है, वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तब हम समझ जाएंगे कि हमारी जो पूरी की पूरी जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट था क्रूड ड्रग का, वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। सो दिस वॉज द कम्प्लीट प्रोसेस ऑफ सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मैथड। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्मोलबाइल ड्रग्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट सुटेबली एक्सट्रैक्टेड बाई दिस मैथड बिकॉज द एक्टिव इन्ग्रीडियंट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो कि हीट करने पे जिनका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, उन ड्रग्स के एक्सट्रैक्शन के लिए इस प्रोसेस को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ प्योर सॉल्वेंट और ओनली दो सॉल्वेंट मिक्सचर्स विच हैव कॉन्स्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। सॉल्वेंट मतलब पहली बात तो ये कि हम लोग सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एक सिंगल सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं और मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्वेंट का, लेकिन हम लोग सिर्फ वही सॉल्वेंट्स यूज़ करेंगे जिनमें एक कॉन्स्टेंट, जिनका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।